अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HMY न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज नामपल्ली में दरगाह हुसैन दरगाह सुफैन शरीफैन के मज़ार शरीफ से संदल गया है। मक्का मस्जिद जाने के बाद आएगा, 3 दिन का इहतमाम किया जाता है और ख़ास तौर से हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब की सदारत में और उनके तमाम मेम्बरान जो बोर्ड के मेम्बरान हैं सबकी सदारत में ये संदल हो रहा है। ये दरगाह शरीफ ऐसी दरगाह शरीफ है जहाँ पर हर कोई आकर मन्नत करता है। इस तेलंगाना के लिए हमारे आनेबुल CM साहब ने कई बार यहाँ कर तेलंगाना की मन्नत की थी और तेलंगाना हासिल भी हुआ है और हम लोग यहाँ के बहुत मोतकिद हैं। दरगाह सफ़ेद शरीफन पर जो आकर मन्नत करता है वो ज़रूर पूरी होती है और इस दरगाह को इंशाल्लाह इस मरतबा बोर्ड के तहत जो जो काम है यहाँ पर कराने के, बाथरूम्स का है और दूसरे अदर काम है वो ज़रूर पूरे किए जाएंगे और तकरीबन काम कम्प्लीट भी हुआ। जो कुछ भी अगर जो ज़ाहरीन आते हैं उनके लिए जो किस्म के इंतज़ाम हों और ज़रूर वक्फ बोर्ड से पूरे किए जाते हैं और जो भी यहाँ का इंतज़ाम में कमी है वो ज़रूर उसे पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और उनके तमाम जितने मेम्बरान हैं और वक्फ बोर्ड के अहदेदार हमेशा इस दरगाह की खिदमत करते रहते हैं। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हमारे मीडिया के भाई भी आज उर्दू शरीफ पर आए सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए यहाँ के बाथरूम तो बन चुके हैं, इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लास्ट टाइम बना के सर्वे करें, दौरा करें तो 1700 फुट जमीन जो है खाली है मस्जिद के, जो दरगाह के तहत है वो कब्जे पे है, उसको हटाने के लिए भी बोर्ड से हटाना पड़ेगा। देखिए बोर्ड जरूर उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और जो कानूनी यहाँ पर भी नहीं बोलने की बात अलग है, हमें चाहने वाले यही बताएंगे ना आपको और ज़रूर इस मरतबा हम कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब बहुत एक्टिव चेयरमैन है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ज़रूर आप जो कह रहे हैं तो जगह का और मस्जिद देता हूँ उसी का इंशाल्लाह आने वाले पर ज़रूर काम करेंगे। Good morning।